दिल्ली में एक तरफ मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, वहीं दूसरी ओर जम्मू में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई और करीब 30 घायल हुए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी किसी मीडिया चैनल ने ये खबर नहीं दिखाई। खबर इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि पापा के शपथ ग्रहण समारोह में कोई रुकावट ना हो, देश को ना पता चले कि आतंकी हमला हुआ है। पिछले 10 सालों में पापा और पापा की मीडिया ने इसी तरह आतंकी हमलों को नजरअंदाज किया है। पापा जम्मू कश्मीर में शांति की बात तो करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है जो पापा का मीडिया आपको नहीं बताएगा। सिर्फ इसी साल की बात करें तो 10 जून तक देश में कुल 122 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें 77 लोग मारे गए हैं और 20 जवान शहीद हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 17 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 17 लोग मारे गए हैं और 1 जवान शहीद हुआ है। ये आंकड़े मात्र 6 महीनों के हैं। पिछले 10 साल में हजारों लोग आतंकवादी हमलों में जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों सैनिक शहीद हो चुके हैं। आतंकवाद खत्म करने की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले मोदी देश चलाने में नाकाम रहे। पिछले कुछ सालों में मोदी और उनके मंत्रियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी देना बंद कर दिया। अब ना वो आतंकवाद की बात करते हैं और ना आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान लगातार आतंकवादी हमले कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन भारत की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। मोदी चीन को क्लीन चिट देते हैं और पाकिस्तानी हमलों पर चुप्पी साध लेते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर शांति की बात करने वाले मोदी जम्मू कश्मीर की तीनों सीटों पर अपना एक प्रत्याशी तक नहीं उतार पाए। मोदी की खामोशी बताती है कि वो आतंकवाद को जवाब देने में नाकाम रहे हैं, चीन को जवाब देने में नाकाम रहे हैं।